हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहास लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि है एनामोरी स्कैन के बारे में, जिसे 2D या 4D अल्ट्रासाउंड कहते हैं या फिर उसे 5 मंथ की या फिर 20 वीक्स की सोनोग्राफी भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे डॉक्टर्स ये पता करते हैं कि आपका बेबी नॉर्मल है या नहीं है, या फिर उसकी ग्रोथ ठीक से हो रही है या फिर नहीं हो रही है, जो सो फ्रेंड्स डॉक्टर इसी से ही पता करते हैं कि आपके जो बेबी है या फिर फीटस है उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि ये वो लोग हमको नहीं बताते। रेडियोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो स्कैन करके एक रिपोर्ट हमारे हाथ में थमा देते हैं, और जब हम हमारे ग्लाइनोलॉजिस्ट के पास जब आते हैं उनको दिखाते, तो वो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमको डिटेल में नहीं बताते, बस यही बता देते हैं कि बेबी की ग्रोथ कैसी है। पर हमें एक एज अ पेरेंट उत्सुकता होती है कि जो रिपोर्ट में दिए हैं उससे पैरामीटर्स का क्या मीनिंग होता है, क्या रेंज होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये आज इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक देना भी मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, और कुछ शॉर्ट फॉर्म होती है उसका भी मैं आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आप इसको डिटेल में समझ सकें। सो फ्रेंड्स, एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इस एनामोली स्कैन पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर मैं उसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ दे रही हूँ, और एंड स्क्रीन में आप उसे क्लिक करके देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले होती है LMP मतलब लास्ट मेनस्ट्रुअल पीरियड, जो आपके पीरियड्स है, यू नो, आपके लास्ट टाइम जब पीरियड्स आए उसकी डेट होती है। और उसके बाद आपको मिलेगा EDT मतलब इस्टिमेट ड्यू डेट, यानी आपकी जो डिलीवरी डेट है वो होता है EDT। अब आइए हम पता करते हैं कि AFI का क्या मतलब होता है। AFI का मतलब होता है एमनिटिक फ्लूइड इंडेक्स, ठीक है, मतलब आपकी जो एमनिटिक फ्लूइड है वो कितना है, सो इससे वो पता चल जाता है। उसके बाद आता है FHR यानी फीटल हार्ट रेट, यानी आपका बेबी का जो हार्ट है वो एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो वो होता है FHR। सो उसके बाद आते हैं फीटल पैरामीटर आर एस फॉलो, ठीक है, जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे BPD, HC, ABD, FL, ये सब क्या होता है ये मैं आज को आप ये मैं आपको बताऊंगी। सो BPD का क्या मीनिंग होता है। सो BPD का अर्थ होता है बाय पैरिटल डायमीटर, मतलब ये आपके जो फीटस का साइज है वो बताता है। सो ये बायपैरिटल डायमीटर एक इसे बताने के लिए डॉक्टर्स जो नीचे दिए गए पैरामीटर्स है उसका यूज़ करते हैं, जैसे कि है हेड सर्कमफरेंस, उसे HC बोलते हैं। इसका मतलब आपके जो फीटस है या फिर बेबी है उसके हेड, इसके गोलाई का मेजर किया जाता है। उसके बाद आता है ABD सर्कमफरेंस, मतलब आपके फीटस के पेट का, ठीक है, जो पेट की गोलाई होती है जैसे हम अपने कमर का जो मेजरमेंट देते वैसे ही, तो उसका मेजरमेंट होता है ABD सर्कमफरेंस। उसके बाद आता है फ्यूमरल लेंथ यानी जो फीटस होता है उसकी जांग की हड्डी से लेकर उसकी नी की हड्डी तक जो भी लेंथ होता है उसे बोलते हैं फ्यूमरल लेंथ। उसके बाद आता है टिबियल लेंथ यानी आपके जो फीटस है उसके नी से लेकर उसके एंकल तक की लेंथ, और ह्यूमरल लेंथ ये भी एक लेग का ही लेंथ होती है। सो फ्रेंड्स, इसी ये सब मिलकर डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि बेबी का इस्टिमेट फिटल वेट कितना होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई वेट मशीन तो होती नहीं है कि रख दी और फिटस का वेट कर दिया। ये सब मेजरमेंट लेके
वो कंप्यूटराइज तरह पद्धति से उसका फिटस का एक्चुअल वेट पता करते हैं। सो एस्टिमेट वेट पता करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा। सो ये सब पैरामीटर्स होते हैं बेबी का फिटल वेट पता करने के लिए। सो फ्रेंड्स, सो ये थे कुछ पैरामीटर्स जिनकी इंफॉर्मेशन हम सबको होना बहुत ज़रूरी है, या फिर हमें हमेशा उत्सुकता रहती है कि ये सब क्या होता है, कैसे मेजर करता है। और रही बात इसकी रेंज की, सो फ्रेंड्स ये आप जिस वीक में करते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी आपको सोनोग्राफी करना पड़ता है। कभी 3 महीने में होती है, फिर में दिखाई 5 महीने वाली है आपके साथ 8, ठीक है। पर कुछ कॉमन पैरामीटर्स होते हैं, मैं वो बता रही हूँ। सो आपके जो वीक्स होते हैं उसके हिसाब से वो चेंज होती रहती है। तो ये 5 मंथ के बारे में, आपकी 7 मंथ में और चेंज होगी, 9th मंथ में और पैरामीटर्स रेंज चेंज होंगी। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ पैरामीटर्स जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक फिटल वेट को मेजर करने के लिए। सर मैं कुछ और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो एनामल स्कैन होती है वो 20 वीक्स से पहले ही करना चाहिए। इस स्कैन के द्वारा आपको पता चलता ओवरऑल आपके बेबी का ग्रोथ कैसा है और उसके इंटरनल ऑर्गन कैसे डेवलप हो रहे हैं, उसमें कोई डिफॉल्टर नहीं है, ये सब आपको एनिमल स्कैन के बारे में पता चल जाता है। सो फ्रेंड्स हर प्रेग्नेंट लेडी को ये स्कैन करना बहुत ज़रूरी है, करवाना ही चाहिए और डॉक्टर करवाने की सलाह ही देते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। और अगर आप इस वीडियो के बारे में डिटेल और वीडियो चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।